जून 2021 दो साल से उससे पहले सर नवंबर 2021 से पहले खरीदारी में लीजिए थी, इसके आसपास लीजिए थी नवंबर 2021 से पहले अपने 39 ली थी, उससे बजरी आ रही थी। नवंबर 2021 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद में खरीदारी में जो लीजिए थी उनको निरस्त किया, उसके बाद में बजरी की क्राइसिस हुई है। आप माइनिंग विभाग खड़े हो सकते हैं, पुलिस खड़े हो सकता है, रेलवे विभाग खड़ा हो सकता है, लेकिन वो ठेकेदार के आदमी वहाँ किस हैसियत से खड़े होते हैं, ये सदन जवाब मांग रही है। जो इस नदी के ये मालिक बनते थे 2 साल तक बदली जो दूर करी उसका क्या आप पूरी बातें निकल रहे हो, नहीं हो तो हमें कहते हम ले आते हैं, ठीक है। दूसरा आप ये कह रहे हो कि जो लोग चेक पोस्ट पे क्या हमें लोग लगा दिए वहाँ पर, उन लोगों का साथ मारपीट कर क्या हाल है गाँव में, ठीक है। निर्माण कार्य के लिए या जिला परिषद शिव साहब निकालते हैं, आपको इतना जवाब देना है कि आपको इसके बारे में कोई नियमावली या उनके घूस डिपार्टमेंट में आपको निर्देश थे, उसके संबंध में सर डिपार्टमेंट ये कह रहे हैं कि चेक पोस्ट लगी, एक तरफ जिला प्रशासन कह रहा है जल्दी प्रधानमंत्री आवास सार्वजनिक जो काम है ग्राम वो पूरे करो, एक ट्रैक्टर तोड़ने का 60,000 का आप चलन बना देते हो, ठीक है, जो रसूखदार उन लोगों के आप छोड़ देते हो, इतने लोगों ने आप लगा रखे। बुढ़ा मरणी बता दू सिंदरी आरजीटी और बुढ़ा मरणी के आस पास जितने फल लोग उन लोगों में आपको इसे तरह बना दिया आपको आप 2021 की बात करें, नवंबर 2021 पिछले 2 वर्षों से माननीय मंत्री जी हमारे ये सरकार है, आप इनको पूरी बात बता रहे फिर भी आप उसमें एग्री नहीं हो, कम से कम ये बात तो माननी चाहिए कि कब से शुरू हो रहा है, कोई आपके पास अनजान जानकारी का अनुसार आप ठोकरे फूके ऐसे लगाकर जेड़ कर जाएगा सही में, ये बात सही नहीं है, ये सरकार है, सरकार ने कहा तो सही जानकारी के अनुसार कहा है, आपको आपके पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं, अगली बार आप तैयारी करके आना जानकारी। ये सर जो चेक पोस्ट में लगी हुई थी वो जून 2021 का गवर्नमेंट का लेटर था कि जहाँ जहाँ इनकी बजरी की अलवैया है तो अलवाई होटल के सहयोग से। अरे साहब ये दूसरी बात है, आप इनसे कोई बात नहीं कर रही है, बात करें कलेक्टर साहब, करें मंत्री साहब, आप करें, उनके पास कोई नहीं बात, जवाब ही नहीं है। ये सर बता सकते हैं, अब ये लोगों ने ये 2021 से कह रहे हैं, मैं 2021 में जनवरी में लोगों जी सर अभी नहीं है, अभी नहीं है, तो क्या वो 550 लेगा तो भी लेना पड़ेगा सर, अभी कोई ऐसा सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहा जी, नहीं 550 लेगा तब क्या करती है, तब क्या करेगी सरकार, 550 उसने तय किया जी जी, सरकार ने कुछ नहीं किया तो फिर उसके भले ही पब्लिक को छूट दिया क्या, आपके विभाग की तरफ से छूट है साहब, कह रहे हैं 5,000 उसके अलावा रेट पे डिपार्टमेंट का कोई भी नहीं है, पहले माल अधिनियम में लिया था उसमें भी रेटें फिक्स की थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का स्टे, वर्तमान में रेट पे नियंत्रण नहीं है। रेट के बारे में सर रेट के बारे में सर पहले अपने रेटें भी फिक्स की थी, उसके बाद में जो ये अपना
तो उस टाइम ये सर रेट का नोटिफिकेशन दोनों कलेक्टर साहब के इधर से रेट निकली थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का स्टे 18 फरवरी को आ गया, तो माल अधिनियम जिसके तहत अपन रेट फिक्स करते थे सर। अभी इसी एक्ट में जो अपन ने 2014 में बजरी को भी इसी एक्ट में तो उसके बाद में कलेक्टर साहब ने जो रेट फिक्स कर दी थी उसको अवैध मान दिया सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2015 का ऑर्डर है, और वर्तमान में स्थगन है कि इसी एक्ट में जो लिया है वो इलीगल है और उस पर स्टे दिया है। इसी एक्ट में अभी नहीं है। हर किसी आदमी के पास या कहीं किसी के खेत में कहीं बंदूक तो सिवाय इस खरीदार के आप कहीं नहीं मिलेंगे। नहीं जी, एक आदमी है जो बंदी सप्लाई करेगा। हाँ लीगली उस लीज लीज से ही ले सकते हैं। इस आदमी के सिवाय कोई भी कमोडिटी अगर सिर्फ एक व्यक्ति के पास ही होगी उसके अलावा इस देश में दुनिया में किसी के पास अगर वो उपलब्ध नहीं है तो वो चाहे ये तो 5.5 तो आप क्या करोगे, तब सरकार क्या करेगी? ये उसके आदमी सब कुछ उसको दे दिया, उसको लीज दिया, उसको दे दिया कुछ भी लो, तुमको कोई रोक टोक नहीं, तुमको कोई रोकने वाला नहीं, तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ कहना तो क्या ये सदन में भी ये बोले उससे तक तो कुछ मुझे मिलना नहीं था। सीधा सागर यही हुआ तो उसकी मर्जी है, 550 ले या 5,500 ले या क्या, आपके दबाव का तो आपका दबाव तो यही ये सर 2015 में हुआ। 2015 कितने साल हो गए? 7 साल। 7 साल के बोर्ड में क्या मतलब कोई सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया इस तरह का स्टे दे दिया तो वो लूट मचाएगा और आज लूट हो रही है, इसकी कोई कोर्ट में जाके सरकार की तरफ से कोई वहाँ रखा पक्ष? जी सर विभाग की तरफ से पैरवी कर रहे हैं उसमें, पर अभी वर्तमान कर रहे सरकार कोर्ट में आगे सरकार की तरफ से पक्ष रखा तो वो बता दो कब रखा, कौन सी तारीख को क्या वो सर ये ऑल ओवर स्टेट का है, स्टेट लेवल से वहाँ से गवर्नमेंट से जवाब देकर वहाँ के ऊपर आपको विभाग इस तरफ से जाकर ये तो ये सर गवर्नमेंट लेवल से ही जो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट जयपुर से गवर्नमेंट लेवल से ही वहाँ पे OIC है वो वहाँ पे सर पक्ष इसमें ये हो सकता है कि विभाग आपका है आपका विभाग है ना आप ही जवाब दोगे, अलग से कौन आएगा यहाँ तो आज तो आप सरकार बड़ी समस्या है आम आदमी पीड़ित कैसे आम आदमी ये कह रहे हो बाद मैंने प्रमोद भैया जी से पूरे बाद में जिले के जाकर बात करता बता दी और उसके अलावा मुझे इसमें भी ये पता लगे हो गई थी सारी इतना होने के बावजूद प्रेस से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ जिसको कहना था सब कुछ बातें वहाँ तक पहुँचा दी गई थी, उसके बाद भी अगर गड़बड़ा है तो मामले होती जाए उसको रोकने का काम कौन करता है? हमने भी सर विभाग को जैसे ही आया तो ये डिपार्टमेंट को फैक्चुअल रिपोर्ट भेजा दी कि पहले क्या रेट थी अभी क्या रेट है और उसमें कितना डिफरेंस है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करके अभी सर 8 तारीख को 8 तारीख को चालू हुई 8 नवंबर क्या 8 नवंबर पिछले 2 साल से करीब करीब नीचे 2 साल से ये लूणी नदी है इसमें इस ठेकेदार का कब्जा किस हैसियत से कब्जा था वो किस हैसियत से कब्जा था सरकार ने उसको किस हिसाब से दिया इसमें सर जून आपको भी यही आप जैसा खेल करते वैसा करते ये गाड़ी आपको आपको पकड़ कर नहीं सकते इसलिए ये पकड़ तो क्योंकि इनको नदी का जैसे मालिक उनका अभी तो मालिक हो गया था आपके 550 क्या कितने भी लेंगे
तो हम नहीं रोक सकते। उस समय तो इसके पास मालिकाना था, उस टाइम से 8 सितंबर से पहले इनका इस नदी पे क्या अधिकार था? इससे पहले इनकी एलोईयां थी, जो एलोई थी उसके अंदर से गवर्नमेंट का ऑर्डर थी, लीज नहीं थी। गवर्नमेंट का ये ऑर्डर था कि जहाँ जहाँ इनकी एलोई है तो वहाँ पे ये चेक पोस्टें स्थापित करके विभाग के साथ में पुलिस और प्रशासन के साथ में वहाँ पे अवैध खनन रुकवाएंगे। अवैध खनन रुकवाने का काम तो सरकार का है, आपके विभाग का। जी जी, पहला तो आपके विभाग का, उसके बाद जी, लेकिन फर्स्ट आपका है। तो इनका काम ये कहाँ से आए थे? LOI से क्या मतलब? LOI तो आर्य मिशन की LOI है, शुरू कर रहे हैं। LOI से कहता है, LOI को प्रक्रिया तो लीज थोड़ी मिली इनको, अधिकार तो लीज मिलने के बाद पहले होता है। लीज मिलने से पहले इनको कौन सा अधिकार, किस अधिकार रहता है? इन्होंने यूनि वेन्यू पर कब्जा किया उसका जवाब दूर आपको कोई रेट दिए क्या? ठेकेदार ने बजरी की कीमत की, हमारे कोई रेट नहीं दिए। रॉयल्टी का जो रहता है वो तो फिक्स है, जो 45 रुपये पर टन और प्लस DMT मिला के 50.5 रुपये पर टन के हिसाब से, बाकी रॉयल्टी की रेट बजरी की कीमत निर्धारित करके हमारे को नहीं दिए। रॉयल्टी कोई उसको कह कर नहीं सकता तुम किस तरह से ले रहे हो। और दूसरा को अगर मान लो 5.5 लाख 5-4 लाख रसीद नहीं देता है, GST मारी जाती है सरकार को, सरकार को कितना राजस्व अगर वो रसीद देगा तो GST तो लगेगी। GST के पैसे तो उसको सरकार को बताना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? रसीद कितने देता है?